सा तू मैं तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा जिसके डले डले जिससे मन मेरे डले प्यार करेगा करेगा। सो है दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी बंटी 2.0 में। दोस्तों हम आ चुके हैं एक न्यू बेडरूम रेटिंग के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीका का वीडियो रेटिंग अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे। इस तरीका का वीडियो आप भी बना के आप इंस्टाग्राम पे डालते हो तो आपका भी वीडियो वायरल हो सकता है। दोस्तों इस तरीका का वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं? दोस्तों इस तरीके के वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों इस तरीके का वीडियो आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है और दोस्तों आपको नीचे एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको 9.16 रेशियो का सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और सॉरी क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा फिर से नीचे, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मीडिया का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको फोटो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हम देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे कुछ अभी इस तरह से लग रहा है। अभी इसमें हम डालने वाले हैं HDR इफेक्ट जो कि काफ़ी औसम लगेगा देखने में। तो दोस्तों अभी लास्ट तक बने रहे, आपका भाई पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला है इस तरह का वीडियो में HDR इफेक्ट कैसे लगते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको नीचे का प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ए वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करके इसको पूरा वीडियो में फिल कर देना है और यहाँ से आपको कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपको ग्रीन कलर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको डिफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद तीन नंबर का ऑप्शन ये आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि आप देख सकते हैं सबट्रैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाले लेयर्स पे क्लिक कर लेना है और नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और यहाँ से आपको फिर से ऐड इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है गॉसियन ब्लर। अब जैसे ही जी लिखोगे आपके सामने गॉसियन ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और यहाँ से फिर से ऐड इफेक्ट पे आ जाना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपको गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इसको बढ़ा करके आपको 600 के आसपास आपको रख लेना है। उसके बाद दोस्तों एक्सपोजर गामा पे आ जाना है और इसको घटा करके आपको 40 के आसपास रख लेना है। उसके बाद गामा वाले ऑप्शन पे आना है और इसको भी घटा करके कुछ इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करके आपको रख लेना है 7 या 8 रख लेना है, आपको वीडियो के हिसाब से अपना रख लेना। और यहाँ से दोस्तों आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस वाले लेयर्स को आपको पूरा वीडियो में फिल कर देना है। यहाँ से कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से आपको वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से फिर से आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ओपेसिटी का, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्ट्रास्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ओवरले को देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आपको कम बेसी करके रख के देख लेना है कितना पर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको नीचे इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगों के सामने, तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे जी भी रख सकते हैं या तो अपना वाई भी रख सकते हैं,
जो भी आपका इच्छा करे रखने का, जो भी अच्छा लगे आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक में आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से दोस्तों फिर से इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और इस वाले पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे पूरे वीडियो में ये वाला ऐड इफेक्ट हो चुका है। दोस्तों अब हम वीडियो को चला के दिखाते हैं कैसा बना हमारा वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वीडियो यहाँ पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।